अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं आपके सामने। ये बकरे की ओझरी है, तो हमने कहा कि हम आपको बताते हैं। तो और हमारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये हैं 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के, ये 1 किलो ओझरी है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून, और ये 1/2 टीस्पून धनिया, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। अब हम अपना गैस ऑन करते हैं। हमने गैस ऑन कर दिया है और अब हम इसमें जो 1 kg ओजरी है वो डाल देंगे। और ये 2 ग्लास पानी है, इसे भी शामिल करते हैं। ये प्याज है, इन्हें भी शामिल करते हैं। टमाटर शामिल करते हैं। और नमक ये शामिल कर दिया, और सूखा धनिया शामिल किया, और लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 25 मिनट के लिए कुकर में रखते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। ये हमने अपने कुकर को ओपन किया है और ये भी हमारा पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये ओझरी भी हमारी गल चुकी है लगभग। अब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं कुकर से निकाल कर। हमने अपनी ओझरी को कढ़ाई में निकाल लिया है, जो जरा सा पानी है उसे भी हम सोख कर लेते हैं। और अब हम इसमें जो इज़ा शामिल करेंगे हम आपको वो बताते हैं। ये 1 टीस्पून ब्लैक काली मिर्च पाउडर है, और ये 1 टीस्पून कुटा सूखा जीरा है, और ये 2 टेबल स्पून सूखी मेथी है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 कप दही, 6 से 7 हरी मिर्च, गार्निश के लिए अदरक कटा हुआ और धनिया, और 1 प्याली ऑयल। अब हमारा पानी सोख हो चुका है तो हम इसमें शामिल करते हैं ऑयल। और अब हम इसमें अपने सारी चीज़ें डालते हैं। ये आपको पहले भी बताया, 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई, और ये 1 टीस्पून कुटा भुना जीरा है, और ये 2 टेबल स्पून सूखी मेथी है, कसूरी सूखी मेथी, और ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये 6 से 7 हरी मिर्च है जिसे हमने कट लगा दिया है। और अब हम इसे भूनते हैं। और अब सब मसाले डालने के बाद ये हमने जो 1 प्याली दही लेके रखी थी अब हम इसे भी शामिल करते हैं।
दही शामिल करने के बाद हमने जरा सी हल्की आंच करनी है, जैसे हम दम पे रखते हैं इस तरह से। और थोड़ा इसे ढक देंगे हम, अपना गैस हम बहुत ही स्लो कर देते हैं। और अब हम इसे 5 मिनट तक अपना ढक्कन कढ़ाई का खोलते हैं और हमारी ओझरी अब रेडी हो चुकी है। और सॉरी, हम शुरू में बताना भूल गए थे कि हमने ओझरी की स्मेल को दूर करने के लिए इसे धोया किस तरह से था। आप तो 1 कप सूखा आटा ले लें और 1 कप सरसों का ऑयल, तो दोनों को मिक्स करके इस ओझरी को लगा के आप 10-15 मिनट या आधा घंटा रख लें। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से एक एक बूटी को धोना है आपने, क्योंकि आटा चिपक जाता है। और इस तरह से जब आप सही से और साफ से धोएंगे 3-4 पानी में, तो ओझरी भी साफ हो जाएगी और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अब हमारी ओझरी रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और अपना गैस बंद करते हैं। अब हम अपनी ओझरी को डिश आउट करते हैं। और अब हमने अपनी मसाला ओझरी को डिश आउट कर दिया है और साथ में चपातियाँ भी बना ली हैं। आप भी घर वालों को इसी तरह से नोश फरमाइए और खाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी हमारी रेसिपी। और हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बनाए खाने पसंद आ रहे हैं या नहीं, और कुछ फरमाइश हो तो वो भी हमें बताइए कि हम वो भी आपको बना के दिखाएँ, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।